ये क्या है रंबा? हम यहाँ क्या करने आए थे और ये तुम मेरे से क्या करा रही हो? तुमसे और तुम्हारी दीदी से कुछ होता तो है नहीं, इसीलिए तुमसे ये सब करवा रही हूँ। पता नहीं कौन से झंडे गाड़ के आएंगी तुम्हारी मोहिनी दीदी। सही कहा तुमने रंभा, उस नागिन के आगे मेरा हर पैतरा अभी तक नाकामयाब हुआ है। अब कोई बात नहीं ना जीजी, कभी कभी वक्त खराब होता है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका जादू खराब है। बात समय की या मेरी जादुई शक्तियों की नहीं है, पारो के सिंदूर की ताकत की है। मैंने उसकी कीमत जितनी कम समझी थी ना, उससे कहीं ज्यादा निकली। एक औरत, एक पत्नी जब सुबह उठकर वो सिंदूर अपनी मांग में सजाती है ना, तो बहुत शक्तिशाली हो जाती है। अपने पति की ढाल बनती है। जितने प्यार से वो सिंदूर को अपनी मांग में सजाती है, उतने ही जज्बे से उसकी रक्षा भी करती है। अगर हमें हमारा सिंदूर बचाना है, तो हवेली के अंदर जाना ही होगा। जीजी, आप तो सिंदूर की बड़ाइयां करने लग गईं, लेकिन वो हटेगा कैसे? होश में आओ पारो, होश में आओ। जिसने ये सिंदूर डाला है, ये रिश्ता बनाया है, वही इस सिंदूर को मिटाएगा और उस सिंदूर से जुड़ा रिश्ता तोड़ेगा। पारो और शंकर के रिश्ते के बीच ऐसा मोड़ लेकर आऊंगी कि शंकर खुद उसकी मांग का सिंदूर मिटाएगा। आजा। तो ये है तोरा कमरा, अब तो यही रहेगी। क्या हुआ, छोटा लग रहा है का? छोटा? अरे बुआ जी, बिल्कुल ही नहीं, हमारे लिए तो पूरा का पूरा घर है। ये तो आप बिल्कुल ही सही बात बोली बुआ जी, पर घर में कमरा तो कोई भी दे देता है, दिल में जगह दे तो। बस बस बस, ये चिकनी चोपड़ी बातें करके हमें रिझाने की कोशिश ना कर, बस अपने काम पे ध्यान दे। बार बार यहाँ टिकने का मौका नहीं देंगे हम। हाँ हाँ बुआ जी, हम बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। इस कमरे को आप देखना, बहुत सुंदर सजाएंगे, एकदम नंबर वन बन के काम करेंगे, टेंशन नहीं ना लीजिए। ये क्या कीता, तू उसे रहने को कमरा दे रही है या परीक्षा ले रही है? परीक्षा ही समझो, पारो परीक्षा समझ के ही काम करना, समझी? स्ट्रेस आई है? नहीं बुआ जी, हम बोल रहे ना आपको, हम बहुत ही अच्छे से काम करेंगे, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। ठीक है काम पे लग जा। पारो बेटे, हमारे घर के लोग थोड़े गुस्सेल हैं, पर दिल के एकदम साफ है, और खास तौर पे मेरा पोता शंकर। नारियल है नारियल,
बाहर से कठोर और मन से तो एकदम ही मक्खन है। हम जानते हैं दुनिया को ना उनकी आंखों में नजर आता होगा गुस्सा कठोरता, पर हमको दिखती है बस मासूमियत। और हमको हम तो ना बस ऐसे ही बड़बड़ जाते रहते हैं दादी अम्मा, हम क्या करें, पुरानी आदत है ना। आप जाइए देखिए कितनी धूल है यहाँ पे, हम सफाई करते हैं, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना आप यहाँ रहेंगे तो। जाइए ना, आराम कीजिए, खुश रहे ऐसे ही। चल पारो दिखा दे अपना जादू। नालायक, बचपन से दूध पिलाकर बड़े किए हैं, अपनी अम्मा को एक ठो गिलास पानी पिलाने में जान सूख रहे तुमरी। अरे पारो होती हाँ तो मुफ्त में घर का सारा काम कर लिया करती थी। अरे पारो को हम यहाँ रानी बना के रखते हैं और वो वहाँ नौकरानी बन के बैठी। पपिया, ये घर का काम करवाने के वास्ते पारो को यहाँ लाने का पड़ी पपिया। अरे कब से लाने की कोशिश कर रहे हैं अम्मा, कब से, लेकिन काम पार लग ही नहीं रहा है। हवेली के कोई अंदर का बंदे को फंसाने का पड़ी पपिया। वहाँ का खबर हमरे पास आएगा तो हमरे काम भी पार लग जाएगा पपिया। अब तुम देखना अम्मा हम कैसी मछली पकड़ कर लाते हैं, देखती जाओ। चौचक, भोलेनाथ कमरा कितना बढ़िया लग रहा है ना हमारा, सब कुछ यहाँ फ्रेश फ्रेश है, देखिए ना सब कुछ अच्छा सा सुंदर सा लग रहा है, सब बढ़िया है हमारे कमरे में, बस शंकर नहीं है और वो तो यहाँ झांकने भी नहीं आएंगे, और अगर हम बुलाने गए ना तो उल्टा हमको ही डांट देंगे, क्या करें हम। जन्म
सॉरी। मैं भी कहा तुम्हारे चक्कर में रुक के। आप रुके थे क्योंकि आपके दिल ने कहा था, और देखना एक दिन ऐसा रुकेंगे आप कि फिर आपका जाने का दिल नहीं करेगा। हे भोलेनाथ, आप बस बुरी नजर से हमें बचाए रखना। ज्योति, क्या कर रही हो ये सब? पहले तुम बोलो, तुम करना क्या चाहते हो शंकर? क्या जरूरत थी उस पारो को घर में वापस लाने की? तो क्या करता? उस पे गलत इल्जाम लगा के बेइज्जत करके जाने देता यहाँ से? तो जूस तो उसी ने पिलाया था ना, मुझे लगा उसी ने ये सब लगा। एक छोटे से शक के बिना पर तुमने उसे दोषी ठहरा दिया। दोषी? वैसे तुम्हारी कौन लगती है वो? हाँ, इतनी तरफदारी, वो भी एक नौकरानी की। हो क्या गया है तुम्हें? पहली बात तो ज्योति, नौकरानी होना कोई गुनाह नहीं है, और दूसरी बात पारो भी एक इंसान है, थोड़े से रिस्पेक्ट की तो हकदार है ना वो। और सब सच बताया तो था मैंने तुम्हें, फिर भी बदला लेने चली गई उस बेचारी से। क्यों बेचारी? और कौन सा सच? हाँ, किस सच की बात कर रहे हो तुम? पारो का सच? ज्योति, पारो कह रही थी कि मेरी और उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं नहीं मानता उस शादी को। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, भले ही तुम्हारी और मेरी शादी नकली क्यों ना हो। क्या रहे हो तुम? अरे बताया तो था मैंने तुम्हें कि पारो। शंकर, बहुरिया, कहाँ हो दोनों? चलो नीचे। नहीं, पहले मेरी बात सुनो। पहले तुम्हारी फैमिली की बात सुन लेते, वरना वो बार बार बुलाते रहेंगे। वो क्या गया इसे? सब बताया तो था। चलो इसे रखते, तैयार हो जाते। अच्छा सुनो, शंकर और बहुरिया का कमरा सुहागरात के लिए सजाना है। बुआ, हम ना इसके बालों में लाइट डाल देते हैं, कैसे खड़े खड़े हो जाते हैं ना बस। ए, घूर का रही हो? घर की बेटी है, जो चाहे बोल सकती है। बदतमीजी नहीं, समझी? अब मैं उसे समझा लूंगी दीदी, आप जरा इस पे ध्यान दीजिए। बच्ची है ना? आप लोगों ने बुलाया मुझे? हाँ बहुरिया, बस अब एक आखिरी रस्म बाकी है सुहागरात की, और उसकी सेज सजाने की तैयारियां कर रहे हैं ये लोग। इका ज्योति बहुरिया, तूने मांग का है नहीं भरी? ओ कम ऑन बुआ जी, आजकल के जमाने में ये रीति रिवाज कौन ही मानता है? लेकिन देखो, पारो भी तो है ना आजकल की लड़की, आज के जमाने की। लेकिन मांग देखो, पूरी सिंदूर से भरी हुई है। पर ये नहीं पता कि ये सिंदूर है किसके नाम का।
आज तक मैंने कभी बिन ब्याही लड़की को सिंदूर लगाते नहीं देखा। पता नहीं चक्कर क्या है। क्या जीजी, ये शब्दों के बाहर से क्या होगा? मुझे जादू करने देते ना आप इस पागल बकरी पर। ये तुच्छ इंसान हमारी शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं है, टिक भी नहीं पाएंगे। हर जगह जादू करने की जरूरत नहीं है। ज्योति है ना, ये करेगी वो काम। ये कहेगी शंकर से उसकी मांग का सिंदूर हटाने के लिए। इसमें जादू की क्या जरूरत? लेकिन देखो पारो भी तो है ना आजकल की लड़की। लेकिन मांग देखो पूरी सिंदूर से भरी हुई है, पर ये नहीं पता कि ये सिंदूर है किसके नाम का। आज तक मैंने कभी बिन ब्याही लड़की को सिंदूर लगाते नहीं देखा। सीन क्या है तुम्हारा? इतना क्यों शंकर के आसपास भिन भिन आती रहती हो? उसकी शादी हो गई है नौकरानी मुझसे, अब तुम्हारा कोई चांस नहीं है, समझी तुम? इन्हें क्या पता कि पहले शादी शंकर और हमारी हुई है। प्यार से समझा रही हूँ, समझ जाओ, वरना और भी कई तरीके आते हैं मुझे शंकर से दूर। गॉट इट? ये सिंदूर भरी मांग ये कहाँ घूमती रहती है? कौन है वो, बोलो। नाम पता नहीं और सिंदूर लगाए घूम रही हो, मिटाओ इसे। ज्योति जी, देखिए हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं, पर हम ना किसी के साथ रांग करते हैं और ना ही रांग सहते हैं। मत कैसी हुई तुम्हारी मेरा हाथ पकड़ने की? भूलो मत इस घर में औकात क्या है तुम्हारी। अभी अक्कल की खाने लगाती हूँ तुम्हें। ज्योति जी क्या कर रही हैं आप? ये सब मत कीजिए, छोड़िए आप। ज्योति जी रांग हम कह रहे हैं आपसे, छोड़िए। छोड़ो डंडे को, छोड़ो। जी रुक जाइए, मत कीजिए ऐसा। हम टिक नहीं पाए इस नागिन के सामने। ये ज्योति की ज्योति कब तक जलेगी चीची? छोड़ो, छोड़ी छोड़िए, क्या कर रही हो? मैंने सिंदूर पे सवाल उठाया, इस डंडे से मुझे मारने लगी शंकर। शंकर ही तो है जो इसकी मांग का सिंदूर हटाएगा। दूर रहो मुझसे और ज्योति से। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? तमाशा नहीं, मैं अपनी जान बचाकर भाग रही थी शंकर। ये पारो मुझे मारना चाहती है शंकर। क्या? इतना ही नहीं, जब मैंने इसके सिंदूर पे सवाल उठाया, सिर्फ बदतमीजी करने लगी। ये 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 इस डंडे से मुझे मारने लगी शंकर। ये शंकर ने बीच में आके ना सारा मजा किरकिरा कर दिया। मजा नहीं किरकिरा किया, अच्छा किया। शंकर ही तो है जो इसकी मांग का सिंदूर हटाएगा। तुम्हें कितनी बार समझाया मगर एक बार में बात दिमाग में नहीं घुसती तुम्हारे। दूर रहो मुझसे और ज्योति से।
चलो ज्योति। कमजोर होने की कगार पर खड़ा है रिश्ता, बहुत जल्दी टूट भी जाएगा। अब माफ करना, मैंने तुम्हें काट दिया। डर गए थे? न चोरी की है न डाका डाला है, चेहरे पे कुछ और मन में कुछ और लिए घूमता हूं, इसलिए डर का तो सवाल ही नहीं उठता मोहिनी जी। अच्छा, यकीन से कह सकते हो? अरे तुम तो सोच में पड़ गए। मैं तो यहाँ तुम्हारी शुभ चिंतक बनकर आई थी तुम्हें एक नसीहत देने के लिए। शंकर, जब एक पत्नी के पति के आसपास कोई दूसरी लड़की घूमने लग जाए, दिखाई देने लग जाए, तो एक रिश्ते में दरार पड़ना तो लाजमी है। मेरे कहने का ये मतलब है शंकर, कि यहाँ पर वो लड़की अब तुम्हारे आसपास अपनी मांग में सिंदूर लगाकर घूम रही है। संभाल के कहीं पूरी की पूरी दीवार ना ढह जाए। ज्योति तुम्हारी बीवी है ना, पत्नी मानते हो ना उसे? पारो से कहो कि अपनी मांग का सिंदूर हटा दे। नहीं पारो, इतनी बार बोला है कि मुझे कुछ याद नहीं, तो कहे की शादी? सिंदूर हट जाना चाहिए। ये तो चुड़ैल है। तो ज्योति और तुम्हारा रिश्ता खत्म होते देर नहीं लगेगी। पारो से कहो कि वो अपनी मांग का सिंदूर हटा दे, उसकी कोई अहमियत नहीं है। ये क्यों लगा रखा है अभी तक? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? हटाओ इसे। शंकर, ये सिंदूर ताकत है हमारी। ऐसा मेरा मानना है। ये लगा तीर निशाने पे, तो ये उसकी मांग का सिंदूर हटवा कर ही रहेगा। नहीं पा रहा, कितनी बार बोला है कि मुझे कुछ याद नहीं, तो कहे की शादी? सिंदूर हट जाना चाहिए। ये तो चुड़ैल है।